हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। बीच में बहुत सारी चीज़ें रुक गई थी, बट अब कुछ भी नहीं रुकेगा, अब कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, उस टाइम दुर्गा पूजा था ना, तो बीच में बहुत काम ने रुका, अनस्टॉपेबल चीज़ें भी स्टॉप हो गई थी। बट अब जो तो सीरीज चल रही है, वो मॉक टेस्ट वाली हो, साइंस वाली हो, जीके वाली हो, इवन बहुत जल्द हम लोग इंग्लिश का भी अलग से लाएंगे, तो ये सभी सीरीज जो है कंटिन्यू रहेगी बिना रुके हुए। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। और हम गारंटी लेते हैं कि हमारी यूट्यूब की क्लासेस और साथ में अगर कोई पीडीएफ पढ़ ले तो उसका सिलेक्शन हो जाए। अगर आप हमारी पेड बैचेस में हो तो और भी बेटर है, फिर तो उसको कुछ अलग से करना ही नहीं पड़ेगा, वहीं से सब कुछ। लेकिन फिर भी अगर कोई अच्छा बच्चा है जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है पेड बैचेस, तो साइंस के लिए आप हमारे यूट्यूब की क्लासेस कंटिन्यू करो, और जब पीडीएफ हमारी याद आएगी टॉप 500 सीरीज की, तो पढ़ लेना, आपका काम हो जाए। ठीक है, जीडीबी यांत्रिक सेक्शन 1 ये सभी बच्चों के लिए। अब देखो, हमारे पेड बैचेस के बारे में बता दूं आपको, जो बच्चा अगर सेक्शन 1 की कंप्लीट बैचेस पढ़ना चाहता है, उसमें मैथ भी मिल जाएगा, रीजनिंग भी मिल जाएगा, साइंस भी, इंग्लिश भी एंड जीके भी, पांचों सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे सेक्शन 1 के लिए, चाहे जीडी 2, डीबी 2, यांत्रिक 2, सेक्शन 1 सबको देना होता है, जो कि 924 रुपये में आपको ये बैच मिल जाएगी। ठीक है, और जितने भी हमारी पेड पीडीएफ आती है वो भी इस बैच के अंदर मिल जाता है। हमारा जो सेक्शन 1 का टेस्ट सीरीज नया लॉन्च होने वाला है और जो ओल्ड वाला है, वो सब के अंदर मिल जाएगा, और रिकॉर्डेड बैचेस मिल जाते हैं, क्लासेस मिल जाते। आप वीडियोस को अंदर डाउनलोड करके 10 बार देखते रहो, कोई रोक टोक नहीं, आराम से पढ़ते रहो, जब मन तब पढ़ते रहो। ठीक है, एक वीडियो को 50 बार देखना देख लो। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटी हम देते हैं आपको ऐप के ऊपर। तो एडिटर स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर ऐप डाउनलोड करने नहीं आ रहा है, डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करने नहीं आ रहा है, लॉगिन करने के बाद बैच में पेमेंट करने नहीं आ रहा, पेमेंट करने के बाद क्लासेस देखने नहीं आ रहा है, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो व्हाट्सअप करके पूछ लो 7279047787 पे, आपकी पूरी मदद कर दी जाएगी। ठीक है, हमारी टीम मेंबर होगी। आज से सब काम रेगुलर हो गया, सारी टीम भी हमारी बिजी थी, अभी कोई काम पे नहीं था, अब सब काम पे लग गए हैं। ठीक है, जाओ, बट एक बार ट्रस्ट करके पेड बैचेस से पढ़ो। मैं कहता हूँ ना कि आने वाले एसएससी जीडी का एग्जाम भी फोड़ दोगे। कोस्ट गार्ड सेक्शन 1 की अगर बैचेस जो पढ़ लेता है एक बार, आने वाले एसएससी जीडी एग्जाम को फोड़ देगा। लेकिन जीडी की हिंदी हम नहीं पढ़ाने वाले, मैथ जो यहीं से काम चल जाएगा, रीजनिंग इंग्लिश सब काम चल जाएगा। ठीक है, जीके, तो चलो फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। आंवले के फल में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पाया जाता है? देखो, विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, बायो सब्जेक्ट में नहीं, आपके सिलेबस में, लेकिन एग्जाम में क्या कहता है, विटामिन में पूछे जाते हैं कौन से फल में कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन से डिजीज होती है, किसके वजह से, वो सभी चीजें एग्जाम में डाले जाते हैं। उसी तरीके से हम पूछ रहे हैं कि आंवला जो है खट्टा चीज, मेनली खट्टा चीज में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी होता है, ये पता होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर छुपा हुआ है। ठीक है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? भाई रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो मार्कोनी भाई ने किया। ठीक है, किसने किया था? जी मार्कोनी इनका नाम था, ये मार्कोनी भाई साहब ने कर रखा था। और एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि टीवी का आविष्कार पिछली बार पूछा, तो आप कमेंट करके बताओ टीवी का आविष्कार किसने किया था। बहुत ही सा क्वेश्चन मैंने पूछा है, पिछली बार एग्जाम में भी आया हुआ था एक शिफ्ट के अंदर टीवी का आविष्कार, इस बार मैं रेडियो का दे रहा हूँ आपको, देखने के लिए प्लीज आएगा। आग बुझाने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन या ऑक्सीजन? पहली बात, कुछ लोग कहते हैं ना कि गैस सिलेंडर हमने देखा शायद उसमें ऑक्सीजन होगा, भैया आग में अगर ऑक्सीजन डालोगे तो भड़क जाएगा, देखते हो ना, अगर हम चूल्हा नहीं जलता है कभी, पहले तो आपने चूल्हा देखा भी नहीं होगा उसके टाइम पे, तो आप एक चीज़ देखो, अगर एक मोमबत्ती देख लो, घर वाले लोग नहीं देख पाते, मोमबत्ती चलाओ और उसको ग्लास से ढकोगे तो ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं मिलेगा, तो मोमबत्ती ऑटोमेटिकली बुझ जाए, तो आग जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, बुझाने के लिए नहीं, जलाने के लिए, और बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी है। ठीक है, चलो, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से बुझाई जाती है। कह रहे, विद्युत के जनक के तौर पर किसे जाना जाता है? नहीं जानते हो विद्युत के जनक? देखो, विद्युत के जनक जो है वो कौन है, माइकल फैराडे भैया हैं, हमारे साथ पढ़ते थे ये फैराडे जी, और याद रखना आप, माइकल फैराडे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के जनक के रूप में, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के रूप में इनको हम जानते हैं। चीज़ें याद रहेंगी, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन भैया, एक भी भले इसमें से बहुत सारी चीज़ें याद हो, बट कभी कभार हमको पता होता है कि हमको आता है लेकिन हम उसका रिवीजन नहीं करते, लगता है कि एग्जाम में नहीं आएगा, और एग्जाम में हम वही चीज़ गलती कर देते हैं। तो वीडियो के माध्यम से, फिर इसकी पीडीएफ्स के माध्यम से आप थोड़ा सा नोट्स बनाओ, बेटर रहेगा रिवीजन में काम। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? देखो, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? फारेनहाइट। ओके, फारेनहाइट तो एक पैमाना है, ये जो फारेनहाइट एक पैमाना बनाया गया था ना, वो किसने किया था? फॉरेन हाइट नाम के ही इंसान, इनका पूरा नाम कुछ और है, फॉरेन हाइट इनका टाइटल है, तो फॉरेन हाइट नाम याद रखो, फॉरेन हाइट जो आदमी थे, जैसे सी वी रमन को हम लोग रमन साहब कह देते हैं, वैसे ही फॉरेन हाइट एक विदेशी इंसान है, इसका पूरा नाम याद कर पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, रखना पड़ेगा मेरे को, भूल जाता हूँ मैं बार बार इसका पूरा नाम, क्योंकि देखो विदेशियों का नाम ही बड़ा अटपट करके, इसलिए फॉरेन हाइट बस याद रखो, जिसने जो
मॉडर्न थर्मामीटर जिसमें पारा का मरकरी का यूज करते, इन्होंने ही खोज कर रखा था, ऑप्शन नंबर डी वाले ने। तेरा एक हॉर्स पावर के अंदर कितना वाट होता है, ये तो हर बार पूछा जाता है, 100% मैं कह रहा हूँ इस बार भी किसी ना किसी से 100% लिख के ले लो, ना पूछा गया ना मैं सारे मॉक टेस्ट फ्री कर दूंगा, लेकिन ये पूछा ही जाएगा। एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होते हैं, ठीक है 746 वाट होते हैं, हर बार पूछा जाता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। फिर कह रहा है पीतल किसका मिश्रण है, जो ब्रास होता है वो किसका मिश्रण, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में, पहली बात तो उसके अंदर जस्ता होना चाहिए और दूसरा कॉपर होना चाहिए, ठीक है तो कॉपर एंड क्या होना चाहिए भैया, जिंक होना चाहिए उसके अंदर, ऑप्शन नंबर डी के अंदर। फिर कह रहे हैं खाने का सोडा, तो ये मैंने 10 बार रटवा दिया होगा, ये क्यों मैं रटवा रहा हूँ उसके पीछे का कुछ रीजन है, कि खाने का सोडा धोने का सोडा दोनों चीज़ें मैं याद दिलवा रहा हूँ, इनमें से कौन सा ऑप्शन है खाने का सोडा आता है, मेरे फॉर्मूला बताओ कमेंट करके, मैं हर बार पढ़ा रहा हूँ क्योंकि रीज़न है, क्योंकि ये हर बार रिपीट होता है, खाने का सोडा बताओ धोने का सोडा, ठीक है तो खाने वाले को क्या कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट और धोने वाले को सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट दोनों का मेरे को बताओ, मैंने 4-5 बार बता दिया है इसको, मॉक टेस्ट में भी बता दिया, साइंस से क्लास 1 में भी बता दिया, आगे 3-4 बार बता ही दिया आराम से। फिर कह रहा निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत गैर यहाँ पे जो नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या होगा, वो सोर्स है जिसको रीयूज कर, रिन्यूएबल कहते हैं ना कि रीयूज कर ले उसको दोबारा से, टॉर्च की यूज करें क्या दोबारा यूज करोगे, हाँ डाल देंगे, बैटरी की बात ही नहीं कर, टॉर्च की बैटरी खत्म, बैटरी को दोबारा यूज नहीं करता, बिना बैटरी का टॉर्च हो ही नहीं सकता, ठीक है जलेगा ही नहीं, एक मोमबत्ती को जला दिया दोबारा उसका यूज खत्म, एक घासलेट बल्ब या फिर कोई भी बल्ब है जब खत्म हो गया तो वो, और लालटेन जो सोलर एनर्जी जो चीज है जहाँ पे सोलर लग गया वो क्या है गैर परंपरागत है, तो रिन्यू कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी है लालटेन, कौन सा लालटेन भाई, सोलर लालटेन है या फिर कोई भी सोलर चीज है नॉन कन्वेंशनल चीज है। फिर कह रहा है जीवाश्म ईंधन के अधूरे जलने के कारण कौन सी विषैली गैस निकलती है, विषैली गैस बताओ, ऑक्सीजन तो कोई विषैली गैस नहीं है पहली बात, हाइड्रोजन भी कोई विषैली गैस, कार्बन डाइऑक्साइड विषैली गैस मानी जाती है, वैसे उतनी भी नहीं है, ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड विषैली गैस तो उतनी नहीं मानी जाती है, इससे पॉल्यूशन नहीं होता है भाई, पहली बात ये चीज़ मैं बोल दूँ, तो पॉल्यूशन जो होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से होती है, जो ही कार्बन से जिसको देखो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO हो गया, और ये कब निकलता है आपने देखा होगा जब पूरा जब हम ठंडी के दिन आग जलाते हैं ना, तो जलने के बाद कुछ चीज़ें बच जाती हैं, तो लास्ट में जो धुआं निकलता है, जो मेन धुआं निकला उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो का आधा अधूरा जलने के बाद जो धीरे धीरे करके निकलते रहता है ना, वो बहुत ही क्या टॉक्सिक, और उसके देखो मान लो जो लास्ट में जो रूम है और उसमें धीरे धीरे करके अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जल रहा है और आप बंद कमरे के अंदर सोए हो, तो हो सकता है कि इंसान की मरने की कार्बन मोनोऑक्साइड, इंसान इसको लाइटली लेता है, एनवायरनमेंट को मतलब पॉल्यूट कर रहा होता है बहुत ही। भाई कह रहे मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, भव्य से चीज कैसा होता है, वायोलेट लेंस होता है, वायोलेट लेंस कौन सा होता है भैया, अब बाई कन्वेक्स लेंस, ये कैसा होता है, मानव का आपने आंख देखा होगा ऐसे, बट ये अंदर से भी गोल होता है, मैं फोटो तो बहुत अच्छा नहीं आता हूँ, लेकिन ये ऐसा नहीं कि चपटा नहीं होता, ये अंदर के साइड वायोलेट लेंस, ठीक है चलो, बहुत सारे लेंसेज देखा होगा बस इस तरीके से होते हैं या फिर होते हैं, और ये जो आई वाला आई आँख होता है ना इधर से भी और अंदर से भी, मतलब दोनों साइड से आप नज़र नहीं आती लेकिन दोनों साइड से उठी हुई नज़र आती है, ये कहने का मतलब ऐसा थोड़ी कि आँख के अंदर मतलब शरीर के अंदर भी आप देख रहे हो कि आपके आँख के अंदर क्या चल रहा है, उभयोतल लेंस मतलब दोनों साइड से, अम्ल की वर्षा जो है ना एसिड रेन का पीएच वैल्यू बताओ, एसिड रेन जो वैल्यू तो 7 से अधिक कभी नहीं हो सकता, वो भी अगर एसिड है तो वो 7 से कम, 9 के तो कोई सवाल ही नहीं आता, आता 2 से कम या 5.6 से, तो वो है 5 से कम, तो प्योर वाटर होता है ऑलमोस्ट 5.5 से लेकर 5. क्या होता है भाई पीएच वैल्यू होती है, और इससे कम जो होता है ना उस 5.6 से कम ही होता है, लेस देन 5.6 होता है जो एसिड रेन होता है, ये चीज़ें मैंने पढ़ा रखी है, सल्फर एसिड रेन के अंदर होता है के अलावा भी क्या होती है ये भी चीजें मैंने पिछली, तो ठीक है सीधे सीधे मैं सवाल पूछता हूँ कमेंट में जरूर बताया करो, जो पिछली बैच क्लास में मैंने पढ़ाया था कि एसिड रेन जो होती है उसमें क्या क्या चीजें होती है जिसकी वजह से वो एसिड रेन कहलाता है,
अस्पतालों में चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा में ध्वनि का स्रोत जो है वो कौन सा समझे हो, जो मेडिकल सर्जरी में या फिर जैसे आपने को टेस्ट सुना है हार्ट वगैरह का, तो उसके अंदर कोई ना कोई साउंड का यूज कर रहे होते हैं, वो कौन सा साउंड होता है अल्ट्रासोनिक स्रोत ध्वनि, क्या चीज़ होती है वो, क्या चीज़ें होती है। पहली बात तो एक जैसे साउंड के अपने अपने एक प्रकार होते हैं, 20 देखो 20 से लेके 20,000 हर्ट्स के बीच में वो साउंड जिसको सुन सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ऑडिबल साउंड, ठीक है, स्रोतरंगी, जो स्रोत ध्वनि जिसको इंसान और मतलब जनरल जानवर भी, और जानवर को अगर साइड कर दे तो इंसानों के बारे में कह दो, जो सुन सकते हैं, ठीक है, 20 हर्ट्स से लेके 20,000 हर्ट्स के बीच का जो साउंड होता है जैसे सुन लेते हैं, लेकिन अगर इससे कम हो तो क्या कहते हैं, इनऑडिबल साउंड कहते हैं, ठीक है, मतलब अप्सरो मतलब 20 हर्ट से कम जो साउंड होता है, और 20,000 हर्ट से ज़्यादा का जो साउंड होगा उसको हम लोग अप्सरो। काली मौत किसे कहते हैं, काली मौत कहा जाता है, और ये लगभग 1300 से लेके 1400 ईस्वी के बीच में मिलियंस ऑफ पीपल यूरोप और एशिया में, इसमें यूरेशिया के अंदर मरे 1300 से लेकर 1400, तब करोड़ मतलब 1-2 करोड़ की बात नहीं कर रहा मैं, 32 मिलियन 40 मिलियन ऐसे करके लोग उस टाइम, 100 मिलियन तो नहीं कह सकते, कुछ इसका एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन मिलियंस ऑफ लोग मरे हैं, ठीक, उस टाइम का एग्जैक्ट डेटा अभी तक किसी के पास है नहीं लोग मरे, क्योंकि उस टाइम ना भी काउंट कर पाना आज के टाइम की तरह एग्जैक्ट पॉसिबल नहीं था, जैसे कोविड का हमने बना दिया ना एपीआई वगैरह, हर दिन काउंट होते जा रहे थे, तो इतना टेक्निकल टेक्नोलॉजी आगे था, फिर भी मिलियंस ऑफ लोग इसमें मरे थे प्लेग की वजह से, जैसे काली मौत के नाम, ऑप्शन नंबर बी ब्लैक डेथ। फिर कह रहा है पौधे में हरे वर्णक जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का जिम्मेवार होता है उसको क्या हरित लवक कहते हैं, एक हरित लवक वर्ण हरित दोनों चीजें यूज कर सकते हैं, इंग्लिश इधर उधर गलती लिखा गया, देखो हरित ये जो है ना हरित लवक को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और इसका इंग्लिश क्लोरोफिल लिखा हुआ है, जो कि पर्ण हरित को हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है, मैं इसको पहले सुधार देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, हो जाएगा ये चीज़ समझ में आ रही है, यहाँ पे थोड़ी सुधार हो गई, तो एक्चुअली क्लोरोफिल होता है ना जो ये इंग्लिश देख के ही समझ, ये जो होता है हरित लवक के अंदर होता है, ठीक है ना, ये चीज़ समझ, ये करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, पर्ण हरित, हरित लवक में और हरित लवक और पर्ण हरित में क्या फर्क है मैं आपको समझा, चीज होता है पर्ण हरित, और ये एक प्रकार का क्या है वर्णक है, ठीक है ना, या फिर जो भी कह लो एक चीज है, एक तरह ऐसा समझ लो, जो पर्णहरित एक प्रकार का चीज है जो कि हरित लवक के अंदर ही होता है, ठीक है, और यही क्या करता है ना सूर्य का जब प्रकाश आता है तो रोक के यहाँ से फोटोसिंथेसिस या फिर प्रक्रिया किया जा सके, ये जो है इसके अंदर होता है, तो मेन तो यही हुआ ना पर्णहरित, यही नहीं रहा तो फिर हरित लवक का क्या काम। फिर कह रहा है ध्वनि तरंगों में प्रतिध्वनि सुन किसके कारण होती है, जो इको होती है साउंड के, जैसे मान लो रेजोनेंस आती है, हो गया साउंड्स क्या होती हैं, आप ही की साउंड आपको 2 साल 4 4 बार 5 बार 10 बार सुनाई देती है, वो होता है प्रकाश परावर्तन रिफ्लेक्शन, ये चीज़ आप थोड़ा सा गलत बोल दिया, इंग्लिश ठीक है रिफ्लेक्शन मैंने सही बोला, क्योंकि बार मेरे को हिंदी से डर लग जाता है, साइंस की बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज तो भले हिंदी मीडियम से थे लेकिन हमारे मास्टर ने अंग्रेजी में ही लपेट दिया था, हम वो चीज़ें रटा गई, हम लोग क्या करना रट ली हूँ सब चीज़ें, रिफ्लेक्शन हो गया रिफ्रैक्शन, जैसे हम लोग कहते हैं ना फ्यूजन फ्यूजन, और मेरे को इसमें हिंदी में फिर कभी कभी सब मेरे को खुद हिंदी में समझना पड़ जाता है फ्यूजन और फ्यूजन हिंदी में क्या क्या दोनों का संलयन और खंडन में क्या फर्क होता है, इंग्लिश मेरे को देख, ठीक है, यही सब चीज़, तो आपको भी अगर हिंदी में ऐसे प्रॉब्लम हो तो एग्जाम में हिंदी इंग्लिश दोनों होता है तो आप इंग्लिश प्रेफर कर लेना, बहुत सारी चीज़ें हिंदी में समझ में नहीं आती है साइंस में, और मेनली तो बायो में और समझ में नहीं है, उसके बाद बायो के अंदर घुसोगे तो। फिर कह रहे हैं अधातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में उपस्थित होती है, जो नॉन मेटल होता है ना लिक्विड फॉर्म में उसको क्या कहते हैं हम लोग ब्रोमीन, और मरकरी जो होता है वो क्या होता है मेटल होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, ये हो गया आपका अधातु जो कि क्या होता है नॉन मेटल, ठीक है, ब्रोमीन, और एक होता है धातु जिसको हम लोग कहते हैं मेटल जो कि वो क्या होता है पारा, वो भी लिक्विड या फिर द्रव अवस्था में के टेम्परेचर पे मिल जाता है। फिर रहते हैं हजामत या फिर सेविंग करते टाइम जो उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण कौन सा, जब हम सेविंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम कौन सा मिरर का यूज़ कर, ये तो 10 बार से पढ़ा दिया होगा, और दर्पण ठीक है
होगी आप। फिर कह रहा श्वेत प्रकाश में उपस्थित रंगों की संख्या जो व्हाइट कलर होती है उसके अंदर 7 रेड होते हैं, रेनबो जो बनता है उसमें देखा होगा 7 रंगों में बढ़ जाता है वो। और इसको अगर देखना है तो बिना रेनबो का अगर देखना है तो एक प्रिज्म लेके आओ, प्रिज्म से सूर्य की किरण जब निकलेगी 7 रंगों में विभक्त कर दे, ठीक है, घर में रेनबो बना लोगे। 20 नंबर देखो कह रहे हैं सवाल, सौर्य सेल इसे रूपांतरित कर, जो सौर्य सेल होता है ना सोलर सेल वो किस चीज को किस चीज में रूपांतरित कर सकता है। तो ऑब्वियसली चीज है जो सौर सेल है वो सबसे पहले क्या लेगा, प्रकाश ऊर्जा लेगा या फिर सूर्य से एक ऊर्जा लेगा, ठीक है, उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, लाइट एनर्जी को क्या कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर। फिर कह रहा है विद्युत फ्यूज का तार बनाने के लिए जो होती है उसमें उसकी क्या प्रॉपर्टी चाहिए, जो हम लोग फ्यूज के लिए वायर यूज करते हैं उसमें कौन सी गुण होनी चाहिए, उसके निम्न चालकता तो नहीं होनी चाहिए, अगर निम्न चालकता होगा लो कंडक्टिविटी होती है तो उसमें फ्यूज में सही तरीके से लाइन नहीं आएगा तो फ्यूज उड़ेगा कैसे, फिर पता चलेगा कि घर के तार उड़ गए जल गए और ये फ्यूज उड़ा ही नहीं। पहली बात तो भाई उसकी चालकता जो है बढ़िया होनी चाहिए, उससे प्रतिरोध होगा तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, उसमें प्रतिरोध ज़्यादा नहीं चाहिए। उसकी गलनांक जो होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए, गलनांक का मतलब मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों होना चाहिए मैं बताता हूँ। मान लो हम फ्यूज क्यों लगाते हैं घरों में, अगर वोल्टेज कभी कभार हाई आया तो घर की हमारी जैसे अप्लायंस है इलेक्ट्रिसिटी जैसे टीवी फ्रिज कूलर एसी जो भी लगा रहे हो आपने घर, वो सब चीज़ें हमारी बच जाए, अगर हाई वोल्टेज आया तो उन सब पे हाई वोल्टेज का असर आने से पहले हमारे घर का फ्यूज उड़ जाए, अगर फ्यूज नहीं उड़ा तो क्या होगा हमारी घर की चीज़ें उड़ जाएंगी, ये तो पहले ही फ्यूज उड़ जाएगा तो घर में लाइन नहीं जाएगा कट जाएगा लाइट, तो ये सभी चीज़ें बच गई। तो ये चीज़ फ्यूज तक पहले जैसे ही हाई वोल्टेज पहुंचेगा मतलब घर की वायर मजबूत होती है लेकिन इसको थोड़ा कमजोर बनाया जाता है घर की वायर की अपेक्षा, क्योंकि घर की जो वायर है और फ्यूज कम इसकी जो गलनांक है मेल्टिंग पॉइंट कम इसलिए रखी जाती है कि जैसे ही हाई वोल्टेज आया सबसे पहले ये टूट जाए, ये टूटा तो मुश्किल से 1-2 रुपए का खर्च आएगा 5 रुपए का खर्च आएगा, और कहीं फ्रीज कूलर उड़ गया ये हजारों का बाजार लग जाए। इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम, जैसे ही हाई वोल्टेज आया ज़्यादा गर्मी उसको मिली ये टूट जाना चाहिए, घर में इलेक्ट्रिसिटी ना पहुँच, ठीक है। तो ये समझ के होगी आप समझदार हुआ। 22 नंबर देखो, रेबीज जो है वो किसके काटने से होता है, इसमें से बहुत सारे लोग ना मार देंगे ओनली डॉग और वो गलत हो जाएगा, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगा कार्ड के अंदर नहीं है बट गलत हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि बंदर के काटने से भी होता है, बिल्ली के काटने से भी कभी कभी रेबीज का केसेस देखा गया है। कुत्ता से तो खैर वर्ल्ड फेमस है, तो सिर्फ कुत्ता से तो मैक्सिमम टाइम देखा ही गया, कुत्ता से तो 100% होगा, लेकिन बंदर के और बिल्ली के से इसमें भी रेबीज के वायरस हो जाते हैं, उनके काटने से भी हो जाता है। तो इसलिए हम लोग उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द एबव का आंसर करेंगे, अगर कुत्ता बिल्ली और मॉन्की अगर तीनों आ गया तो डॉग। आगे देखते हैं, मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है भाई बताओ, सिक्रेटरी जो है वो अंग कौन सा होता हमारा, नहीं पूछ रहे प्रोडक्ट पूछ रहे, तो मेनली यूरिन के थ्रू यूरिया ही निकालते ह्यूमन निकालते हैं बाहर, ठीक है। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है, देखो प्रकाश तरंगे मेनली दो प्रकार की होती है, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव कह लो या फिर अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। तो जो लाइट होता है वो क्या होता है अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या, जो लॉन्गिट्यूडिनल है ना वो वेव कैसे चलेगा, अगर मान लो कोई वेव इस तरीके से चल तो उतना नहीं बनता, अगर मान लो ये जो वेव है ना ऐसे लॉन्गिट्यूड ये मान लो वेव चल रहा है तो ये जो है ना लॉन्ग मतलब इस तरीके से ये कंपन करेगा ऊपर से नीचे की तरफ, और अनुप्रस्थ होता है ये डायरेक्टली ऐसे ऐसे आगे बढ़ते चल। यार समझ में नहीं है तो इसको रट लो आप, क्योंकि उतना डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है, ये 12th में पढ़ना था, बस आप इतना पढ़ो कि अनुप्रस्थ तरंगे होती है ट्रांसवर्ब्स होती है वो लाइट के अंदर मिलते हैं। माचिस की तिल्ली का जलना एक उदाहरण है, माचिस की तिल्ली जलती है वो क्या होती है, स्वतः दहन हो जाता है, खुद से जल जाता है या फिर शीघ्र दहन हो जाता है या फिर आदर्श दहन या फिर धीमा दहन। तो अभी चीज़ें माचिस की तिल्ली जब जलाओगे रगड़ोगे तो फटाक से जल कर तो ये हो जाता है रैपिड कम्बशन, ठीक है। चीज़ें समझ में आ गई, रटा करो थोड़ी सी चीज़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ें रटने वाली भी चीज़ें, अगर आप बीबी से भर रहे हो और साइंस के बच्चे नहीं हो तो आपको रटना ही पड़ेगा अगर आर्ट्स के बच्चे। बाकी बैचेस के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से याद दिला दे रहा हूँ, इस बैचेस को करो एक बार, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको फायदा देखने के लिए मिलेगा। बाकी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टू जो स्टडी ऐप का, मिलते रहे खड़े में, तब तक ले बाय बाय, वीडियो लाइक।